हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ। यूट्यूब चैनल से तो आज हम बात कर रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप की। इंटीजर डेटा टाइप को हम एक्सेस करेंगे, बहुत डिटेल में एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और देखते हैं। राइट, अच्छा, इंटीजर डेटा टाइप से पहले हम कुछ फंक्शन देख लें। जो टाइप फंक्शन हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वेरिएबल की क्लास मालूम करने के लिए टाइप फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। राइट, और एक और फंक्शन है आईडी फंक्शन। आईडी फंक्शन तो गेट मेमोरी एड्रेस ऑफ द वेरिएबल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपको जो वेरिएबल स्टोर होते हैं वो किसी आपके पर्टिकुलर मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। जैसे ये आपके सिस्टम आपकी मेमोरी है, ठीक है, इसमें कुछ स्पेसेस हैं। राइट, अब जैसे आपने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर की, यहाँ पे आपने इसको 50 को स्टोर कर दिया, ठीक है। और इसकी क्या होती है कि ऑब्जेक्ट आईडी होती है, ठीक है। इस आईडी को कि किस मेमोरी लोकेशन पर जाके स्टोर हुआ है उसको गेट करने के लिए हम आईडी इस्तेमाल करते हैं। राइट, अगर आपकी अगर ये आपने पहली दफ़ा वैल्यू यहाँ पे सेव की और सेकंड टाइम फिर ए इज इक्वल टू 50 किया, आपकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई। अब आप दोबारा ए इज इक्वल टू 50 कर रहे हैं और आपकी वैल्यू किसी और जगह स्टोर हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इम्यूटेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर सेम लोकेशन पे सेव हो रही है, राइट, आईडी चेंज नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो म्यूटेबल हो जाएगा। राइट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, देख लें इसको। और उसके बाद एक प्रिंट का फंक्शन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो डेटा टाइप है, हमारी डेटा टाइप है हम इंटीजर है। अच्छा, इन पाइथन इंटीजर स्टैंड फॉर इंटीजर एंड इट्स बिल्ट इन डेटा टाइप यूज टू रिप्रेजेंट होल नंबर विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू विदाउट एनी डेसिमल, ठीक है। ये होल नंबर होना चाहिए और विदाउट डेसिमल नंबर होना चाहिए। राइट, और होना चाहिए अगर ए 100 है। देखिए आप, चलो हम अपनी लैब की तरफ कर लेते हैं इसको, साथ साथ लैब भी कर लेते हैं हम लोग अपनी, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू 100, ठीक है, क्या ये है, और आईडी ऑफ ए क्या है, ठीक है। अब हम ए इज इक्वल टू 500, आप ए देखें और दोबारा आईडी ऑफ ए देखें, तो इसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी, मतलब अब ये दूसरी लोकेशन पे जाके सेव हुआ है। दैट मीन कि ये इम्यूटेबल है, ठीक है। और इसकी हम क्लास देख लेते हैं, टाइप देख लें इसकी, टाइप ऑफ ए क्या है, इंट क्लास है। राइट, और इंट में क्या होता है, अच्छा देखें ना, इंट क्लास है। देखिए, अगर ए इज इक्वल टू 1, एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं, कितनी बड़ी वैल्यू ले, ठीक है, आपको सेव करके बताएगा ये इतनी बड़ी वैल्यू क्यों ले रहा है, ये क्वेश्चन है। आप प्लीज़ मेरे कमेंट्स में बताया कि इतनी बड़ी वैल्यू कैसे ले रहा है। राइट, अच्छा, ये पाइथन 2 में क्या होता था कि एक डेटा टाइप थी, आपकी डेटा टाइप थी इसकी लॉन्ग की, इतनी जितनी बड़ी वैल्यू उसके लिए वो लॉन्ग की डेटा टाइप इस्तेमाल होती थी। मगर पाइथन 3 में क्या हुआ कि उसको आप वो लॉन्ग की डेटा टाइप ख़त्म हो गई है, यहाँ पे सिर्फ इंट डेटा टाइप है और इंट कितनी भी बड़ी आपकी वैल्यू स्टोर कर सकता है। राइट, तो ये पाइथन 3 में थोड़ी सी अपडेट हुई है, तो ये बताना ज़रूरी था आपको। तो ये इन डेटा टाइप है। अच्छा, पाइथन में हम थोड़ा बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के, कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। और पाइथन में तकरीबन पाइथन के हर लैंग्वेज में चार टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। एक आपका डेसिमल होता है, राइट, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस क्या होती है, बेस 10 होती है। आपका बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हम डेसिमल की बात कर लें। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बेस 10 होती है और इसकी वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट, 9 तक जाती है। अब कितना बड़ा भी नंबर कितना बड़ा भी हो, वो इस वैल्यू से आप बना सकते हैं, मिलियंस में बना सकते हैं, ट्रिलियंस में बना सकते हैं, जितना नंबर भी बना सकते हैं आप बना सकते हैं इसको। राइट, और इसकी बेस 10 है। अमूमन हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 4300, ठीक है, हम लिखते हैं 4000। और देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ, डिफ़ॉल्ट क्यों, क्योंकि ये पाइथन का डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है। पाइथन क्या, ह्यूमंस का भी डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है। हम भी तकरीबन इसी
नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम को। हम बाइनरी, कभी आपने बाइनरी में पैसे दिए हैं 0-1 में? नहीं। आपने कभी किसी को बोला होगा कि मुझे आप 0-1-2 1-1-1 रुपीज़ दे दें? आप कभी ऐसे तो नहीं कहा कि 1-1-1 रुपीज़ दे दें? या आपने कभी कहा है मुझे एफ रुपीज़ दे दें? नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। हम लोग भी डेसिमल सिस्टम ही इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, राइट? तो इसकी बेस क्या होती है? इसकी बेस को रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट के साथ 10 को, ठीक है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है, इसलिए हम इसकी बेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती हमें। तो हम बगैर, जब भी हम लिखते हैं 4300, तो हम इसको बगैर बेस के लिखते हैं, तो ये क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम है और इसलिए इसको हम बगैर बेस के लिखते हैं, राइट? तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में आपकी वैल्यू क्या होती है? आपकी वैल्यू सिर्फ बेस टू है। बेस टू क्यों है? क्योंकि आपको पता है बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम 0 या 1, ठीक है, इसको डिजिटल सिस्टम भी बोलते हैं, 0-1 का, ठीक है ना। आपके फ्रीक्वेंसी वगैरह या किसी और चीज़ को नापने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, आपकी जो फिर पल्सेस होते हैं फ्रीक्वेंसी के, उसमें भी आपको ये का डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में भी आता, ये काफ़ी काम होता है। DLDA का सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि आपके जो वेव्स होती हैं या उसके अंदर एम्पलीट्यूड होता है 0-1 के फॉर्म में, इस तरह से आप कहते हैं ये दिस वन, तो ये आपका यहाँ पे 0-1-0-1, ठीक है ना, इस फॉर्म में होते हैं, तो वहाँ पर भी काम आता है आपका। तो मगर हम बात कर रहे हैं पाइथन के, पाइथन में ये इसकी बेस टू होती है, क्योंकि ये 0-1 पे काम करता है, राइट? तो इसको इसकी बेस टू होती है, राइट? तो ये बेस टू पे होता है। उसके बाद क्या हमारा सिस्टम आ जाता है? उसके बाद हमारा सिस्टम आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? ये बेस 8 है, ठीक है, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 0 से लेकर 7 तक। अगर ये नंबर लिखा हो 4, 8, 1 और ये आपको को कह दे कि ये ऑक्टल सिस्टम है, तो आपको देखते ही समझ जाना चाहते हैं ऑक्टल में तो 7 डिजिट होते हैं, 7 तक वैल्यू है, राइट? तो ये 8 नहीं आ सकता इसमें, तो ये गलत है, ठीक है, यहाँ पर 7 आ सकता है, ठीक है। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, राइट? तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट की है, अगर आपकी बेस 10 है तो यहाँ तक कौन सा नंबर लास्ट नंबर होगा? आपका 9 होगा, ठीक है ना। अगर बेस 10 है तो 0 to 9, ठीक है, आप इसको छोड़ दें बाइनरी को। अगर आपका ऑक्टल है 8 तो वो क्या होगा? 7 तक होगा। अगर आपका हेक्सा है तो वो क्या होगा? 15 तक होगा। आप इसमें से एक माइनस कर दें तो आपकी नंबर की रेंज आ जाएगी। इससे आपको इसको मेमोराइज करने में आसानी होगी। देखें, आपका डेसिमल सिस्टम 10 है, बेस 10 है, तो इसमें कहाँ से आएगा? 0 to 9, क्योंकि 0 से शुरू है ना, तो आप ये ऑटोमेटिकली 9 तक आएगा। बस आप एक माइनस कर दें, 10 से एक माइनस करें 9 तक आएंगे, 8 से एक माइनस कर दें 7 तक आएंगे, 16 से एक माइनस कर दें 15 तक आएंगे। तो ये आप अच्छी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे या इसको मेमोराइज कर लेंगे, राइट? और उसके बाद हमारा सिस्टम आ रहा है 8, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया 8 नंबर सिस्टम। और उसके बाद है हेक्सा। हेक्सा में क्या होता है? 0 से 9 तक होता है, और 10 रिप्रेजेंट बाय ए, 11 रिप्रेजेंट बाय ए आपका 10, बी इज 11, सी इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 13, ई इज इक्वल टू 14 और एफ इज इक्वल टू 15 तक होते हैं, ठीक है। इसमें डिजिट्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, या आप इसको ये कह सकते हैं 16 होते हैं, मगर इसकी वैल्यू जाती है कहाँ तक जाती है? 15 तक जाती है। 16 - 1 = 15, राइट? ए को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 10 होगा, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 11 होगा, सी के लिए 12, डी के लिए 13, ई के लिए 14 और एफ के लिए 15, राइट? तो ये आपका नंबर सिस्टम है।
और ये चीज़ पाइथन हमेशा आपको एक चीज़ और नोट कर लें आप, अच्छा इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 16 है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप 02F लिखा हो और बेस 16 है तो आप 16 पढ़ेंगे, अगर ये नंबर लिखा हुआ 245 बेस 8 तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, इसको 245 नहीं पढ़ेंगे, राइट, इसको 245 नहीं पढ़ेंगे, कि इसको क्या पढ़ेंगे आप 245 बेस 8, राइट, 245 बेस 8, 245 नहीं पढ़ेंगे। 245 क्यों, क्योंकि 245 आपके डेसिमल सिस्टम में पढ़ा जाता है, ठीक है, डेसिमल सिस्टम में 245 पढ़ा जाता है, राइट, 245 पढ़ेंगे, 245 पढ़ेंगे, ठीक है, और ये आपको पता है। तो पाइथन क्या करता है, पाइथन हमेशा आपको डेसिमल सिस्टम में आउटपुट देगा, ठीक है, अगर आपको इसको उसमें चाहिए आपको बाइनरी में, तो ये बाइनरी में इसको फंक्शन होते हैं, उससे बाइनरी में भी आउटपुट ले सकते हैं, मगर बाय डिफॉल्ट ये आपको हमेशा डेसिमल में देगा आउटपुट, राइट। तो सबसे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले डेसिमल सिस्टम की बात कर लेते हैं। डेसिमल सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 तक की इसकी रेंज होती है, राइट राइट, और ये इसका बेस क्या है, इसका बेस 10 सिस्टम है, ठीक है, और आपको बेस लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट सिस्टम है, इसलिए आप ये समझ जाते हैं कि ये बेस 10 ही है, राइट। अगर आप इसको ये देखेंगे, ये हमने किया है, ये हम कर चुके हैं कि आईडी चेंज नहीं होती, तो इसलिए वो इम्यूटेबल है, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं बाइनरी सिस्टम की। बाइनरी सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम यूज 0 एंड 1, टोटल नंबर ऑफ डिजिट 2 एंड बेस इज 2, ठीक है, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 2 होती है, राइट, 0 1 0 1 0 0, ठीक है, इसकी बेस 2 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बेस 2 से, ठीक है। और किसी बाइनरी को आपने अगर उसमें कन्वर्ट करना है आपने डेसिमल में, तो आप 0B लिखेंगे और उसके बाद आप अपना डेसिमल नंबर दे देंगे, सॉरी बाइनरी नंबर दे देंगे, ठीक है, तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके दे देगा सिस्टम आपका, राइट। तो हम क्या, हम बाइनरी, हम एक्चुअली दूसरे किसी भी नंबर सिस्टम में हम अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं उसमें कन्वर्ट करके, ये हम पढ़ेंगे आगे चले कि अगर बाइनरी को, अगर आपने बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे आप, और ऑक्टल को अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, अगर इस ए को आपने बाइनरी में लेके जाना है तो आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, सिस्टम कुछ इसके फंक्शंस होते हैं, सॉरी सिस्टम कह रहा हूँ मैं, फंक्शंस होते हैं उसके थ्रू हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हम देखेंगे आगे चलकर, तो इस लेक्चर में हम सिर्फ ये देखें बाइनरी सिस्टम को, राइट। तो देखते हैं हम अपनी लैब की तरफ और देख करके देखते हैं हम लोग, और अगर हम बाइनरी सिस्टम ले ए इज इक्वल टू 0B 1 1 0 0 0 1, ठीक है, ये देखें ये 49 बनता है इसमें आपका, राइट, 49, और अगर हम, ठीक है ना, ये 49 बनता है आपको कन्वर्ट कर देता है, और इसकी अगर आईडी देखें, आईडी ऑफ ए, तो ये आ गई। अगर दोबारा हम ए लें 0B, ठीक है, और ए करें 255 बनता है, और इसकी आईडी चेक करें हम ए की, तो क्या है, देखिए आईडी चेंज हो रही है, दैट मीन क्या है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, क्योंकि आईडी चेंज हो रही है इसकी, इम्यूटेबल है तो आईडी चेंज हो रही है, राइट। तो अब देखें, अब इस सिस्टम ने बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया, ठीक है ना, अगर हम इसको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये एक पूरा नंबर सिस्टम होता है, इस पूरे मैथमेटिक्स हैं, तो इसके लिए यूट्यूब पे आप चेक कर लेंगे, मगर चले हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं इन नंबर्स को भी, चलो ये भी देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू है, अच्छा एक चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे एनी नंबर सिस्टम को जब आप कन्वर्ट करते हैं,
डेसिमल में। तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करना हो एनी नंबर सिस्टम, तो आप क्या करते हैं, आप डिवीजन करते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं, और डेसिमल को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो आप डिवीजन करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, अब एक हम एक बाइनरी वैल्यू ले लेते हैं, या हम ऐसे कर लेते हैं, हम एक डेसिमल की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। डेसिमल वैल्यू 205, ठीक है। बेस 10 लेते हैं, कन्वर्ट टू बाइनरी, ठीक है। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी से, तो क्या करना पड़ेगा, हमें डिवीजन करनी पड़ेगी, राइट। अगर 205 को हम यहाँ से ले लें, इसको डिवीजन कर लें यहाँ से हम लोग इसकी, तो 210 20, 2 to the 4 रिमाइंडर कितना आ गया आपका, आपका रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। अब दोबारा इसको 2 से डिवाइड करें, 2 5 10, ठीक है, 2 1 2, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, राइट। उसके बाद आपने क्या है, 25 पे चला जाएगा, 25 2 50, रिमाइंडर आपका 1 आ गया, और आपका 12 24, ठीक है, और रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है। 6 आएगा आपका, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या आएगा, 3 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, 1 आएगा और रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो कन्वर्ट होकर आएगा आपके पास, ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा आपका 1100 1101, ठीक है। ये आपका बाइनरी आ गया डेसिमल, 205 का बाइनरी क्या है, 1 1, यहाँ से शुरू करना है आपको 1 1, ठीक है, यहाँ से आपको लेके आना है, ये यहाँ से 1 1 0 0 1 1 0 1, राइट। तो इसका बाइनरी आपका आपका ये आ गया, राइट। अगर अब आपको क्या करना है, अब इस बाइनरी को आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, तो क्या करेंगे, इसको ख़त्म करते हैं हम लोग, ठीक है। कन्वर्ट 1100 1101 टू डेसिमल, तो डेसिमल में क्या लिखा था, बाइनरी टू डेसिमल, आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये नंबर आप लिख लें ऐसा 1, इसको आप क्या, अच्छा इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, देखिए ये 1 आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करें आप 2 से, फिर आप प्लस करें, फिर ये 1 लें आप, ठीक है, 1 into 2 प्लस, अब 2 times 0 है तो 2 times 0 ले लें, 0 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2, ठीक है, प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2, देखो ये क्या हो गया, 1100, ठीक है, ये 1101, ठीक है ना। इन सब को आपको 2 से कर देना है अब ये, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर दें, आपको यहाँ पे 0 लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8
थ्री, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू नहीं करना आपने, यहाँ से शुरू करना, थ्री फोर फाइव, ये सिक्स है, ये सेवन है, राइट। अगर सेवन को आप मल्टीप्लाई करेंगे टू से, वन टू एट आ जाएगा, वन टू एट इंटू वन आपका, वन टू एट इंटू वन, वन टू एट आ जाएगा। प्लस करें आप टू को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटू वन, तो 64 आ जाएगा। अब ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता तो कोई भी जवाब आए, टू इंटू फाइव जो भी आप करेंगे तो जवाब जो भी आएगा इंटू मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे तो ये आपका ज़ीरो ही आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और टू टू द पावर पावर फोर, ठीक है, 16 होता है तो मल्टीप्लाई ज़ीरो तो ये आपका ज़ीरो ही आएगा। आपका प्लस करें टू टू द पावर थ्री, क्या होता है आपका, ये एट होता है, एट मल्टीप्लाई बाई वन, एट आ जाएगा आपके पास। प्लस टू टू द पावर टू, फोर होता है, फोर इंटू वन आपका फोर ही रहेगा। प्लस टू टू द पावर वन, टू होता है मल्टीप्लाई ज़ीरो तो आपका ज़ीरो ही आएगा। इसको आप प्लस करें, टू टू द पावर ज़ीरो वन होता है, वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वन ही आएगा। तो जब आप इसको प्लस करेंगे वन टू एट, ठीक है, वन टू एट प्लस 64 प्लस 8 वन टू एट 64 एट प्लस 4 वन टू एट प्लस 64 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 तो ये 205, नहीं सॉरी इसको 205 आना चाहिए, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, 841 देखो ना, वन टू एट प्लस 64 प्लस 8 200 प्लस 4 प्लस 1 तो ठीक है ना, 205 आ रहा है, ओके 205 आ रहा है आपका, राइट। तो हमने दोनों तरीके देख लिए कि हमने इसको, और इसको हम, चले हम लैब में चेक कर लेते हैं, ठीक है। लैब में हम क्या कर लेते हैं, लैब में हम a इज इक्वल टू ज़ीरो बी 110011101, अब ए को प्रिंट करें तो 205 आ रहा है आपके पास, राइट। तो और अगर डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको हम देखेंगे, फंक्शन होते हैं कुछ है, फंक्शन के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब इसके फंक्शन के थ्रू इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसके बाद कौन सा नंबर सिस्टम है हमारे पास, हमारे पास उसके बाद नंबर सिस्टम है, बाइनरी हमने कर लिया है, और उसके बाद है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल में क्या होता है, इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 8 है, ठीक है, 8 बेस है, ठीक है। और सिस्टम हमारा 0 से 7 तक होता है। अगर ऑक्टल सिस्टम ऐसे लिखा हो 2 3 4 8 और यहाँ पर 8 लिखा हो, बेस 8 हो, तो ये गलत है, क्योंकि ऑक्टल में 8 नहीं होता, ठीक है, 7 तक होते हैं डिजिट्स। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको कोई इस तरह लिख कर दे 2 3 4 8 और नीचे 8 लिखा हो तो ये आपका सिस्टम, ये ऑक्टल सिस्टम नहीं है, ये इसमें मिस्टेक है, राइट। तो ऑक्टल सिस्टम को हमेशा हम 2 4 7 बेस 8, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, 247 नहीं पढ़ सकते आप इसको, ठीक है, ये भी दिमाग में रखिएगा, 247 नहीं पढ़ेंगे आपको, 247 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट, डेसिमल सिस्टम में हम पढ़ते हैं इसको 247, ठीक है। आप इसको 247 नहीं पढ़ते, 247 बेस 8, ठीक है, तो ये सही तरीका है पढ़ने का, 247 बेस 8 ऐसे आप पढ़ेंगे इसको, 247 नहीं पढ़ेंगे, 247 नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, 247 नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में होते हैं, ये डेसिमल 247 डेसिमल में होता है, ठीक है, इसकी बेस 8 होती है, राइट। और इसको कैसे कन्वर्ट देखते हैं हम लोग, 0 O, ठीक है, कैसे होते हैं इसको 0 O, हम लिखते हैं ना A इक्वल टू 0 O 2 4 7, तो करेंगे तो ये आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके दे देगा। अब देखें 0 O 0 और O में फ़र्क कैसे होता है, कि आप 0 में आपको हमेशा एक डॉट नज़र आएगा, ठीक है, O में डॉट नज़र नहीं आएगा, ठीक है, ये बड़े काम की बात है, आप देखें इसमें
हम देखते हैं a इज इक्वल टू 0.0247, ठीक है, तो 167 के बराबर होता है डेसिमल के 247, राइट। तो अब देखें जीरो में आपको ओ नज़र, प्रिंट में भी आपको ऐसे नज़र आएगा और यहाँ पे भी देखें जीरो में आपको डॉट नज़र आ रहा है और ओ में डॉट नज़र नहीं आता, चाहे आप ओ कैपिटल ले लें, जीरो और ओ आपको देखना वादा तौर पे नज़र आएगा, जीरो डॉट के साथ होता है और ओ में डॉट नहीं होता है, राइट, याद रखिएगा हमेशा, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। तो अब ऑक्टल सिस्टम को कैसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं, इसकी कन्वर्जन भी देख लेते हैं। इसे हम करते हैं डिलीट, राइट, और अब हम एक ऑक्टल सिस्टम लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपने उसमें डेसिमल में, ठीक है। अब हम कौन सा सिस्टम लें, 3412 बेस 8 है, इसको कन्वर्ट टू डेसिमल, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, आपको मल्टीप्लिकेशन होती है, सेम मेथड जो हमने पहले देखा था, 3 × 8 प्लस 4 × 8 प्लस 1 × 8 प्लस 2 × 8, तो ये क्या बन गया आपका 3, 4, 1, 2, ठीक है, इनको अपने 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें इसको आप कर दें 0, इसको 1, इसको 2 और ये आपका 3, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1536 प्लस इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी 256 आएगी, इसकी आपके पास 8 आएगी और इसकी क्या आएगी 8 और पावर ऑफ 0 1 होता है इंटू 2 तो प्लस 2 आ जाएगी आपकी, राइट। इसको आप करके भी देख लें क्या है 8 की पावर 3, 8 पावर 3 512 इंटू 3 तो 1536 आ जाएगी आपके पास, राइट। और अगर आपने ये करना है 8 पावर 264 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से तो 256 आ जाएगी, राइट। अगर आप सबको प्लस करेंगे तो इसका जो जवाब आएगा आपके पास, इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आ जाएगा 1802। इसकी बेस क्या है, डेसिमल में हम कर रहे हैं तो बेस क्या होगी इसकी डेसिमल में, आप बताएं प्लीज़ या कमेंट्स। इसकी बेस हो जाएगी 10, ओके, जिसने 10 बताया है तो वेरी गुड, और जिसने नहीं बताया है तो प्लीज़ आप कुछ करें अपने आप से और इस लेक्चर को दोबारा देखें, YouTube पे बहुत से लेक्चर पढ़े होंगे आप, वो देखें या इसको भी आप अच्छी तरह समझ दें, इतना कोई मुश्किल नहीं है बेस कन्वर्जन, तो ये देख लेंगे आप, ठीक है ना। 1802 इसकी आपकी डेसिमल की आ गई आपकी वैल्यू। और अगर नॉर्मली इसको हमें क्या करते हैं, हम इसको अगर इसको हम करते हैं डेसिमल को करते हैं हम लोग, 1802 को हमने कन्वर्ट करना है आपके किस में, डेसिमल टू ऑक्टा, ठीक है, ठीक है। इसकी बेस क्या है, इसकी बेस 8 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से ही डिवाइड करेंगे, राइट, 8 × 16, 2 × 20, 8 × 2, ठीक है, 8 × 16, 20 में से 16, 4 × 8, 5 × 40 और 40 और क्या बचा, 2 बच गया, 42 था ना, और उसके बाद 8 × 16 और 6 बचा, 8 × 8, 64, ठीक है,
माइनस वन, 864 कैसे हो गया? देखिए 8 दिन 16, 16 22, 22 में से 16 गया तो 6 बचा, ठीक है 6, 65, 65 8 8 64, 64 गया 65 में से तो 1 बचा आपका, राइट। और इसके बाद क्या, 8 दिया 24, 3 4 बचा आपका, राइट। तो ये क्या हो गया आपका 3 4 1 2, ठीक है 3 4 1 2, ठीक है सेम आंसर आपका आया 3 4 1 2, और ये भी आपका 3 4 1 2, राइट। तो इसको अब लैब में देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं इसको। तो ये क्या है, 0 O ऑक्टा है 3 4 1 2, ये करें आप, देखें 1802 आपका डेसिमल में आ गया, आपका डेसिमल में हमारा क्या आया था, 1802 आया था हमारा डेसिमल में, ठीक है। और इसकी आप आईडी देख लें, आईडी का ए है ये आ गया आपकी, दोबारा ए आप करें 0 O 250 कर दें आप, चले आप ए कर दें, ए 0 O 249, ये देखें क्या देगा, सिंटैक्स एरर देगा आपको, ठीक, इनवैलिड डिजिट 9 इन ऑक्टल लिटरल, ठीक है। देखिए कितना इंटेलिजेंट है, इसने खुद ही बता दिया कि ऑक्टल लिटरल है ये और इसमें 9 डिजिट इनवैलिड है, ठीक है। तो अगर आप इसको 248 कर देंगे फिर भी इनवैलिड देगा, 237 कर दें, ठीक है। और आईडी ऑफ ए आप चेक करें तो क्या है, देखें अब इसने किसी और आईडी पे सेव किया, तो ये क्या है, ये इम्यूटेबल है, राइट। जो आई जो एक मतलब मुख्तलिफ स्पेसिस या स्टोरेज पे सेव करें, ऑब्जेक्ट आईडी जिसकी डिफरेंट आए तो वो इम्यूटेबल होता है। अगर ऑब्जेक्ट आईडी सेम होती एक ही स्टोरेज प्लेस पे जाके वो सेव करें तो वो क्या होगा, म्यूटेबल हो जाएगा, ठीक है, ये इम्यूटेबल है, राइट। तो ये हमने देखा, उसके बाद क्या आ गया आपका, उसके बाद आ गया आपका हेक्सा नंबर सिस्टम। हेक्सा 16 है इसकी बेस, आपको पता है, देखिए इसकी बेस 16 है और 0 से स्टार्ट है और F तक जाता है, 0 से 9, A 10, ठीक है। A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 को, D रिप्रेजेंट करता है 13 को, E रिप्रेजेंट करता है 14 को और F रिप्रेजेंट करता है 15 को, ठीक है। इसकी बेस 16 है, मैंने आपको बताया इसे माइनस वन करें तो 15 तक होती है इसकी वैल्यूज़, राइट, ये आपने याद रखना है। और 0 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ तक रिप्रेजेंट करता है, राइट। और ठीक है, तो अगर ए को हम ए को ए के बराबर करें और इसको देखें एग्जाम में देखें तो ये 10 देगा आपको, राइट। चलते हैं लैब की तरफ, देख लेते हैं इसको हम, राइट। ए इज इक्वल टू 0xA, राइट, और ए को प्रिंट करें तो आपको देखें ये 10 देगा, राइट। और इसके आप आईडी ऑफ ए देख लें आप, ये आ जाएगी। अगर ए को दोबारा आप लें 0xAB और आईडी ऑफ ए ले लें आप तो देखें आपको चेंज नज़र आएगी। तो ये क्या है, ये इम्यूटेबल है, ये इम्यूटेबल है, राइट। और इसको चले हम इसको इसकी कन्वर्जन भी देखते हैं हम लोग इसकी, कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। अब क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यू लेते हैं 200, 200 बेस 16 कन्वर्ट टू डेसिमल, राइट। इसको आप क्या करें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। और जब किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग इसको, चलो 200 हेक्सा ले लेते हैं, 200 हेक्सा को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। चलें इसको हेक्सा को नहीं,
200 बेस 10, डेसिमल को कन्वर्ट करें हेक्सा में, ठीक है, 200 डेसिमल को कन्वर्ट करें हेक्सा में, राइट। तो जब डेसिमल को किसी में कन्वर्ट, तो डिवीजन करते हैं, 200 को आप डिवाइड करें किससे, 16 से, राइट। तो आपका क्या जाएगा 1, ठीक है, 16 4 8, इसका 2 आएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा, राइट। तो अब 16 से डिवाइड होगा नहीं, अब ये क्या नंबर आ जाएगा आपका 128, ठीक है, मगर ये गलत है, ये ऐसे नहीं आएगा आपका, ये गलत है, 128 आप नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको और सी किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको मैंने बताया था सी 10 11 12, सी रिप्रेजेंट करता है 12 को, तो सी 8 आ जाएगा आपके पास, राइट। अगर इसी को आपने क्या करना है, सी 8 को आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है, अगर आपको हेक्सा टू डेसिमल जाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सी 8 लेंगे, राइट, इधर सी लिखें इनटू 16 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 16, ये 0 रखेंगे, आप इसको 1 रखेंगे, और ये क्या है आपका 12 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 192 प्लस 8 इज इक्वल टू 200, राइट। तो ये कन्वर्जन हो गई है, इसको हम देखते हैं लैब में अपने आंसर्स को, ए इज इक्वल टू 0x, हेक्सा क्या है C8, राइट, और ये देखें आप 200 आपको नजर आएगा, राइट। तो ये कन्वर्जन हो गई है हमारे उसके, तो नेक्स्ट लेक्चर में से देखेंगे कुछ फंक्शंस देखेंगे कि अगर आपको किसी भी वैल्यू को किसी भी उसमें कन्वर्ट करना है तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने शायद कुछ नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है, और ये भी देखें किसी भी बाइनरी सिस्टम में अपना हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन इंसर्ट डेटा इन अदर नंबर सिस्टम फॉर्मेट, ठीक है ना, बाइनरी को इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग और किसी भी उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।